लाइब्रेरी के बशरावास सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा भव्य मुक्त के समाज किया गया है नारा आज वर्तमान परिवेश के मात्र व डोकसला के साबित हो रहा है। जिन रक्षकों के कंधों पर भ्रष्टाचार व भव्य मुक्त समाज बनाने का दमोदर है और वही पर वह रक्षक आज रक्षक बनकर मुख्यमंत्री के अभिभुक्त से वह समाज की मंशा को तोड़ तार कर वह कर रहे हैं। वहीं पर वह जनपद के सिंह द्वारा कहा जाने वाले वह बशरावा की पुलिस ने अपने कर्मकांडों की वजह से आए दिन ही अखबारों में लेकर वह आज मानस के लिए भी चर्चे का विषय बनी रहती है और विदित्य से वह परखावे के पहले बशरावा विधायक के दरोगा का प्रकरण खूब चर्चे का विषय बना रहा था। वही तक प्रकरण में से भी बहुत पैसा महिला के मुख्य भूमिका भी दे रहा है। इस समय बशरावा के एक दूसरा प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण में भी पैसा और महिला दोनों ही मुख्य भूमिका में है। महल्ले में मतलब लड़ाई हुई, उन्होंने उनका लड़का आसिम उसने जो है मेरे हिम्मत खींच खींच के इसने मारा, इतनी चोट हमारे आई कि हम थाने गए, थाने वाले चौकी भेजते, चौकी वाले थाने भेजते, और जब हम दवा लेने गए सरकारी अस्पताल में तो उन्होंने कहा बिना मोहर के हम जो है कोई जो है इसकी तुम्हारी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप थाने जाइए वहाँ से मोहर लेकर आइए तभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। हम ऐसे उन्होंने खेद दिया हमको और कई बार वो जो है टाल रहे थाने वाले कि आज नहीं कल, आज आज जाइए कल हम आपका काम करेंगे। इसी तरह एक महीना हो गया और फिर दोबारा वो हाथापाई करने लगे और ये क्या कहाँ का न्याय है, हम ही मार खाएँ और हमारे हस्बैंड का चालान काटा जाए, ये कहाँ का। और मेरे बच्चे अगर शहर में जाते हैं उन्हें मार मार के खेदा जाता, ये विकलांग का नाजायज फ़ायदा उठा रहे, बाकी 8 लोग तो और उनके वहाँ सही हैं, उनका 25-30 साल का लड़का आसिम है, 20 साल का आदिल है और बाकी जवान जवान लड़कियाँ हैं, माँ सिर्फ एक ही आदमी तो विकलांग है, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, हम और दो हस्बैंड वाइफ हैं, हम लोग हस्बैंड हमारे चले जाते हैं और मैं अकेले घर पर रहती हूँ, मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है, हम सर उन लोगों से कहाँ जीत पाएंगे। ये कब की घटना है सर? ये 4 तारीख की घटना है और सर थाने वाले ऐसे खेदते हैं जैसे कुत्ते की तरह, चलो चाहिए आ जाइए, ये छोटी छोटी बातों कर आप लेकर बखेड़ा बना रही हैं, ये वे कर रही हैं, ऐसा खेदते हैं कि पूछो ना, और हमें उल्लू बना रहे हैं। हमने जब जांच कहा हमने कि सर आप आइए जांच देख लीजिए, महल्ले वालों से पूछिए कि हमने अपने हाथ से चोट खाई है कि उन्होंने मारा, तो कह रहे वो जाके कहने लगी कि इन्होंने अपने हाथ से मारा, तो थाने वाले ने भी उन्हीं की सुनी, जो कोई मार खाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, बस उसे कुत्ते की तरह खेद दिया जाता है। थाने वालों ने तो मुझे बार बार, एक बार नहीं कई बार कुत्तों की तरह खेदा, जाइए जाइए। महिला कहती है कि जो है महिला पुलिस से मैंने बात की तो कहती है कि अपने हाथ से चोट बना के ले आई हैं, आप अपने हाथ से पट्टी बना के ले आई हैं। जब झगड़ा हुआ तो आपने 100 नंबर को फ़ोन किया था? 100 नंबर को फ़ोन किया तो 100 नंबर बोली कि आप जाइए थाने में, वो वहाँ पर फैसला उसका होगा। मैं थाने गई तो कई चक्कर थाने वालों ने मुझे कुत्ते की तरह खेदा, कहा कि जाइए आप चौकी पर आपका फैसला होगा। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को